Kafir. He's so hot. ये तो बिल्कुल कब्र जवान है। बम बम बोले मास्टर को दोले। मिसेज बनियान उतार मेरी। नहीं आप पहने रहो, पहने पहने मारोगे। हाँ ठीक है, हट जा साइड में। लगा ले बेटे तेल, सारा तेल निकाल दूंगा एक थप्पड़ में। मैं अपनी भी ऑलिंग कर लेता हूँ थोड़ी। ये क्या तमाशा हो रहा है यहाँ पर भाई साहब? इंदिरा बीच में मत पड़ तू, दो मर्दों के बीच की बात है, नंबर वन और नंबर टू। भाई साहब मेरी इंदिरा चुप। वो दिन गए जब तेरी बात सुना करते थे हम। हाँ नौकरी वोकरी तो है नहीं, साइड में जाके खड़ी हो जा। तू कमाती होती तो स्कूल ही नहीं खोलना पड़ता, और ना आता ये मुस्टंडा मास्टर। साइड में हो जा, सिखाता हूं इस मास्टर को पाड़े में। दो दुनी चार, तीन दुनी आठ और चार दुनी सोलह। अरे पकड़म पकड़ाई खेल रहे क्या तू? अच्छा देसी हिसाब किताब करना पड़ेगा। मैंने पहले मना किया था, अब मत लड़ो पिट जाओगे, मेरे पति को मार डाला। जबड़ा हिला दिया साले, शराबी पे हाथ उठाता है। तुषार थार गया, चल जा अभी दूध और बादाम ले गया, ये ले पैसे। ले आएंगे भाई साहब। तौबा तेरा जलवा, तौबा तेरा प्यार, तेरा इमोशनल अत्याचार। मैं प्रेग्नेंट ही होती ना, मैं बहुत मारती इसको। बाय गॉड। तुम्हारे रास्ते से हट जाओ मैडम जी, अपने भाई के लिए दूध और हल्दी मंगा लो, तो जरूरत पड़ेगी। जाओ जी। भाई साहब आप ठीक तो है ना? हाँ यार, साइड में तू खाली बैठ रहती है घर पे, जाके नौकरी क्यों नहीं ढूंढती? मुफ्त की सब्जियां खाती रहती है। मेरा दिमाग खराब मत करियो, समझ में आई बात? जी परिमल जी यहीं रहते हैं, मैं उनका सामान लेकर आया हूं। ये सामान कहाँ रखूं मैं? जा जाकर ऊपर बरसाती में रख दे। जी किसी ने देखा तूने? मुन्ना क्या कर रहा है तू? अरे छोड़े से, जा जाकर है ना इसका सामान लेकर आ जा। एक गुस्से से पेट नहीं भरा तेरा, फिर से खाएगा क्या? जा। Shut up, मम्मी। जी ये मास्टर है यार, अखाड़े का पहलवान। छोटे बच्चों की टीचर की कितनी तनख्वाह होती होगी? 4-5 हज़ार। साले के पास इतनी महंगी घड़ी, नोटों से भरा बक्सा, है कौन ये?
साले को पता करना पड़ेगा इसका तो। किसको बरसाती दे दी हमने? बैग में तो नोट ही नोट भरे थे। ये सुने ना, अरे ये तो अच्छा है। अरे लगता है बहुत मालदार पार्टी है। हाँ वक्त ये तो जरूर हमारे काम आएगा। बोलने तो क्या मम्मी जी, सोचिए जब इतने पैसे हैं तो कभी ना कभी हमारे काम भी आ जाएंगे। हाँ, स्मार्ट भी कितना है भाभी, एकदम हीरो जैसा। हाय भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। अरे ऐसे दो चार किराएदार और ही भेज दे ताकि है ना हमारे भाग खुल जाए बस। अच्छा है उस कंजी आंख वाले खच्चर से हमारा पीछा तो छूटा। नहीं नहीं, मैं तो कहती हूँ कि ये किराएदार है ना बहुत सही लगता है, क्यों ना मैं इसे अपना चवाई बना दूँ। आज मैं ठाणे नहीं आऊंगा जी, संभाल लियो जी सर। और ये ले थोड़ा चाय पानी जी सर। चलिए ध्यान रख। अभी मेरा नाश्ता तैयार है? बिल्कुल तैयार है। लो जी। मैं तो आपकी बॉडी देखते ही समझ गई थी कि आपकी खुराक कितनी अच्छी होगी। ये खा ले। देख खाने पीने के बारे में ना बिल्कुल शर्माना मत। तुझे किसी भी चीज की जरूरत है तो मुझे कह देना, दे दूंगी मैं तुझे। हाँ हाँ मांग लेना इनसे। आप लोग नाश्ता नहीं करते के? हाँ करते हैं। हाँ कभी किसी को नाश्ता करते हुए नहीं देखा? घूर क्या रहे हो, चलो काम करो कुछ। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। एक काम करो, हर कोने पे लगाओ और चमका डालो उसे शीशे की तरह। सुमेर सिंह एक बात एक ही बार करता है, उसके बाद वो। हाँ हाँ जाते हैं करते हैं। चल आजा मुन्ना, चल आजा। मैं कैसे करूँ, मैं तो प्रेग्नेंट, मैं बैठ के ना काम करवाती हूँ। तुम क्या प्राइम मिनिस्टर की पोती हो जो तुम्हें अलग से इनविटेशन दूँ? चलो लगो काम पे। अरे टीचर जी, आप मेरे नाजुक हाथों से भी काम कराएंगे? तो हाथों से काम नहीं करना तो टांगों से करो, जैसे भी करना है करो, मेरा दिमाग मत खराब करो। चलो। So cute. आपका तो गुस्सा भी कितना क्यूट है। कोई बात नहीं, काम करती हूँ, कुछ तो करती हूँ। सारा ठीक से हटा दो मम्मी जी। अरे चुप बैठ, खुद तो कुछ नहीं कर रही है, बस बैठ बैठ के बोल रही है। साफ कर रही हूँ, थक गई हूँ, पैर दुख रहा है मेरे। एक बात बता, तू जब से आया है ना कुछ बात ही नहीं कर रहा है, कहाँ से है तू? मैं यहीं से हूँ। हाँ? इसी धरती से। हाँ? अच्छा बहुत अच्छा है। हाँ। एक बात बता, तूने शादी तो की है या नहीं? शादी? हाँ? लड़की से। बड़ा मजाकिया है तू, बड़ा मजाकिया। लड़के की शादी भला लड़की के साथ ही होती है ना। देख एक बात बताती हूँ तुझे, रब ने है ना, रब ने मुझे दो दो बेटियां दी है, दोनों कुंवारी है। तुझे दोनों में से कोई भी पसंद है ना तो मुझे बता देना। मैंने सुना जो तारी बड़े वाली छोरी है। हाँ? उसका किराएदार के साथ। हाय राम राम रब्बा, ऐसी कोई बात नहीं थी, बस लोग तो है ना बोलने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। अरे वो नास पिटा रिश्ता करने के लायक था क्या?
इस परिवार में ऋषि को कोई भी पसंद नहीं करता था। पसंद? पसंद तो बहुत दूर की बात है, मुझे तो है ना वो एक आंख भी नहीं भाता था। हाँ, और मुन्ना को? अरे मुन्ना तो उसके जान के पीछे पड़ा था। हाँ, क्योंकि ऋषि हमेशा मुन्ना को नीचे दिखाने की कोशिश करता था। अरे जब भी मेरा मुन्ना कोई नया बिजनेस प्लान करता था तो शुरू ही नहीं होने देता था। पता नहीं इंदिरा को क्या पट्टी पढ़ाई थी, उसके बिना वो किसी की सुनती नहीं थी। इंदिरा बच्ची मेरी बहुत भोली है। हाँ काले, बताओ खाओ। चलो ठीक है, ये कहानी बाद में सुनूंगा। अच्छा, अभी मुझे काम है जरूरी, बाद में आता हूँ। अरे सारे बच्चे आ गए। छुआरों को तो मैं भूल ही गया था। क्या हो गया मास्टर जी, भूल गए कि टीचर हो या कुछ और हो? और तुम्हारे शाम के बादाम का इंतजाम कर, चल काम पे लग। अब नया टीचर कहाँ पे है? अरे ये रहा देखो। ये हाथ कभी छोड़िएगा नहीं। मेरा मतलब मेरी बच्ची पर हमेशा ऐसे ही बनाए रखिएगा। जय हनुमान ज्ञान कुंज सागर। ठीक है हमसे जितना बन पड़ेगा हम करेंगे। आपको ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है, आप अपने बच्चों को यहाँ छोड़िए और अपने अपने घर जाइए प्लीज। हाँ जाइए, शाम को आना लेने के लिए, चलिए चलिए। तुम बीच में टांग क्यों घुसा रही हो? जो काम दिया वो करो, चलो काम पे लगो। साबी कितना क्यूट है। चलो बच्चों आ जाओ सामने आ जाओ। हाँ जाओ जा। चलो मेरे पीछे पीछे बोलना ठीक है। और मैंने देखी गाड़ी, मैंने देखी गाड़ी। और डोले डोले भाज ली, डोले डोले भाज ली। मैंने मारा एक दारा, मैंने मारा एक दारा। वो गिरती पड़ी जा पड़ी, गिरती पड़ती जा पड़ी। मजा आया? हाँ सुनाता हूँ सुनाता हूँ। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू गेट अ पेड़ ऑफ पानी। जैक फेल डाउन एंड ब्रोक हिज क्राउन। जिल सेड कोई परवाह नहीं, ठीक है। ओह गॉड, पूरी पोयम की टांग तोड़ दी। लेकिन वो भी इतना क्यूट साउंड कर रहा है। ठीक है चलो एक काम करो, छोरे सब इस साइड आ जाओ और छोरिया सब इस साइड। अब मैं तुम्हें सबसे जरूरी पाठ पढ़ाता हूँ, वो कुश्ती कैसे करते हैं। या क्या कर रहे? बच्चों को ऐसे पढ़ाया जाता है? ये हमारे देश का भविष्य है। अगर आपको पढ़ाने की तमीज नहीं है ना तो मत पढ़ाइए, छोड़ दीजिए। कम से कम इनके भविष्य के साथ बोलती हो, सांस कब लेती हो? और तुम ही पढ़ा लो इन बच्चों को। चलो हरी चबड़ चबड़ तो सुननी पड़ेगी जब तक ये केस नहीं सॉल्व हो जाता। नौकरी का सवाल है, नहीं तो एक ही दिन में केस को रफा दफा करके आता हूं। साला कहां भाग गया दारा सिंह का डुप्लीकेट? कहां भागेगा बेटे, तेरी कुंडली तो निकाल के रहूंगा आज मैं, तू टेंशन मत ले। ओए संतो संतो संतो, रुक 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 रुक, वहां चल वहां वहां ले, अर्जेंट काम है वहां, जल्दी पिछले पिछले पिछले, जल्दी ले जल्दी जल्दी।
कहाँ गया? आगे होता गधी में रेस देना अपनी कान की जिसका चला के। चल 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 भगाना गधी को। बंदा कहाँ निकल गया देख, कहाँ गया? मन ने फॉलो करेगा चांदनी चाक कट्टुचा पत्तेबाज बस समेर सिंह किसी के हाथ नहीं आता। अब देखता हूं बावली का कमीना भाई मुझसे कहां भागता है। पूरा चाहिए मुझे तुम्हारा सब दो मिनट डेवलप करके बस। हाँ भैया कार्ड सारा है क्या? जी साहब मेरा ही कार्ड है साहब। पुन्ना शर्मा कौन है? नाम और सरनेम दोनों कॉमन लगता है साहब, मैं कैसे जान सकता हूँ? सवाल के बीच में सवाल मन ने पसंद नहीं। दोबारा ऐसी गलती की ना जवान अलग से निकाल के यहीं पे फोटो टांग दूंगा तेरी। सच कह रहा हूँ साहब, दुकानदार हूँ, बिजनेस चलाने के लिए हजारों लोगों को कार्ड बांटता रहता हूँ साहब, उनमें से हर किसी का नाम और चेहरा कैसे याद रखूंगा साहब, उनमें से होगा कोई साहब। 2 मई को कहाँ था तू? कहाँ रहूंगा साहब, यही अपनी दुकान में ही था साहब। 2 मई को यहाँ से एक लड़का अगवा हुआ है, लंबा सा था, गोरा सा, बिल्ली आँखों वाला, देखा तुमने से? देखिए साहब, मुझे तो अपने क्लाइंट के चेहरे और नाम भी याद नहीं रहते, ये राह चलते लोगों के बारे में कैसे याद रखूंगा साहब। 2 तारीख को तुमने जितनी फोटो खींची है ना सबके नेगेटिव दे मेरे को। नहीं साहब, कॉपी हम रखते नहीं है साहब, कस्टमर आता है उसको फोटो भी दे देते कॉपी भी देते, हमारे पास कुछ नहीं रहता साहब। तू बड़ा टेढ़ा आदमी है, टांगे तोड़ के सीधा करूं बावड़ा समझा के? हर दुकान बैकअप रखती है फाइल्स का। चल निकाल नेगेटिव। साहब नेगेटिव सारी ड्रॉअर के अंदर है, आप मेरा कान छोड़ेंगे तभी तो मैं निकाल के दूंगा ना साहब। चल हट पीछे। कौन सी तारीख है पढ़? 2 तारीख से कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। अब देखता हूं बावली का कमीना भाई मुझसे कहां भागता है। 1 दिन में केस को सॉल्व करूंगा। ये देखो क्या है? क्या ये? ऋषि कुमार के केस में इंपॉर्टेंट लीड मिली है। आज आप लोगों ने? आज टीचर जी ने हरियाणी पोयम और हिंदी में जैकेंडल सिखाया। सुनाओ। ये सब क्या सिखा रहे हैं बच्चों को? हमने ये सब सीखने के लिए नहीं यहाँ भेजा है। एक्चुअली इनके जो टीचर है वो इनको फ्री करने के लिए मदर टंग में सिखा रहे थे, लेकिन कल से ये नहीं होगा, इनकी प्रॉपरली पढ़ाई होगी। चलो देखा आपने, अगर आप बच्चों को ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे ना तो कल से इनकी माँ इनको भेजना बंद कर देंगी यहाँ पर। ये कौन है? मेरे विदित भाई। नमस्ते। नमस्ते। काफी तारीफ सुनी है मैंने इंदिरा की मुंह से। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वैसे क्या क्या पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं आप? लोगों के चेहरे पढ़ता हूँ। बहुत बड़ी विद्या है आपके पास,
किसी दिन इत्मीनान से बैठकर इस बारे में बात करेंगे। एक्चुअली मेरी दवाई का वक्त हो गया, फिर कभी से चलता हूं। कभी भी किसी से ढंग से बात नहीं कर सकते आप, है ना? वो सब कुछ छोड़ो, ये देखो क्या है। क्या है? ऋषि कुमार के केस में इंपॉर्टेंट लीड मिली है।